वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा, सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। मुस्लिम लीग काफ के वजीर काबीना इजलास से गैर हाजिर। चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब केसेस पर काफ लीग के तहफ़ुज़ात बरकरार। शहबाज शरीफ ECL के लिए ऑन लिस्ट हैं। नए ऑर्डिनेंस में इतनी जल्दी तब्दीली नहीं हो सकती। वजीर रेलवे शेख रशीद की पिशावर में गुफ्तगू, कहते हैं कल से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। SOPs पर अमल दरामद का खुद जायजा लूंगा। सिंध हुकूमत स्कूल खोलने की पोजीशन में नहीं, तालीमी इदारे खोल भी दें तो वालिदैन बच्चों को नहीं भेजेंगे। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी का कहना है ऑपोजिशन खिसकी हुई है, बोंगियां मार रही है, विफाकी वजीरों को भी कुछ नहीं पता। शॉपिंग मॉल्स बंद करने का फैसला विफाक का था। सिंध की फिरदौस आपा को अपनी फिक्र करनी चाहिए। सिंध में ऑपोजिशन से खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। गवर्नर राज के कई शोशे छोड़े जा रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं विफाकी हुकूमत क्या कर रही है कुछ नहीं बताया जाता। मुखालिफीन ने ऐलान करना है तो विफाकी हुकूमत के खिलाफ करें। रवा माली साल 2205 अरब रुपये विफाक ने नहीं दी। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध में एमरजेंसी लगाने और गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है, कब तक सिंध को लुटने देंगे। और कोरोना अस्खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट NDMA पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, NDMA सारा सामान चीन में एक ही कंपनी से मंगवा रही है, सामान का मायार नहीं देखा जाता, थर्ड क्लास चीजें मंगवाई जा रही हैं। तासुर है कि वसायल गैर मुतालिका अफराद के हाथों में है। सरकार के तमाम वसायल अवाम पर खर्च होने चाहिए। करंटीना में लोगों को जानवरों से बदतर रखा जा रहा है। कोरोना मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मजबत, प्राइवेट लैब से मनफी आता है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध में एमरजेंसी लगाने और गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं सिंध में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सूरत हाल तेजी से खराब हो रही है, कब तक सिंध को लुटने देंगे। और कोरोना अस्खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट NDMA पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, NDMA सारा सामान चीन में एक ही कंपनी से मंगवा रही है, सामान का मायार नहीं देखा जाता, थर्ड क्लास चीजें मंगवाई जा रही हैं। तासुर है कि वसायल गैर मुतालिका अफराद के हाथों में है। सरकार के तमाम वसायल अवाम पर खर्च होने चाहिए। करंटीना में लोगों को जानवरों से बदतर रखा जा रहा है। कोरोना मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मजबत, प्राइवेट लैब से मनफी आता है।